सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी आर बैक विथ अ न्यू वीडियो, और आज का वीडियो है पार्ट टू हमारे हैंड लेटरिंग वीडियो के लिए। तो आज मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊंगी कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए हैंड लेटरिंग, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स गेट राइट इन टू द वीडियो। तो हैंड लेटरिंग सीखने के लिए सबसे बेसिक टेक्निक जो होती है वो है अप और डाउन स्ट्रोक। तो इनका मतलब ये होता है कि जब हम ऊपर वाला स्ट्रोक लेते हैं तो वो हमेशा पतला होना चाहिए और नीचे वाला स्ट्रोक मोटा। तो जिस जैसे इसमें जो ऊपर वाला स्ट्रोक है वो पतला है, फिर नीचे वाला स्ट्रोक मोटा, और ऊपर वाला स्ट्रोक फिर से पतला, और ये नीचे आते समय फिर से मोटा, और ये ऊपर वाला फिर से पतला। तो अगर हम एक देखें तो इस में ये मोटा हुआ नीचे आते समय, फिर ऊपर जाते समय फिर से पतला, ये फिर से मोटा और ये पतला। तो ये सबसे बेसिक टेक्निक है हैंड लेटरिंग सीखने के लिए। तो हमारे अप एंड डाउन स्ट्रोक सीखने के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है कुछ ड्रिल्स जो हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो ड्रिल है वो है अंडर टर्न। तो अंडर टर्न का मतलब होता है ये एक यू जैसा शेप होता है, तो इसमें जब हम नीचे आए तो मोटा हुआ और जब ऊपर गए तो फिर से पतला हो गया। तो स्टार्टिंग में आप एरोज बना के जान सकते हैं कहाँ पर आपको मोटा स्ट्रोक रखना है और कहाँ पर पतला। सेकेंड ड्रिल है हमारा, उसमें हमें सेम प्रोसेस करना है पर उल्टा। तो हमें उल्टा यू लिखना है पर सेम प्रोसीजर में, जब हम ऊपर जाते हैं तो पतला, नीचे आते हैं तो मोटा। नेक्स्ट ड्रिल में हमें ये अंडर टर्न और ओवर टर्न को मिक्स करना है। तो कुछ ऐसा होगा, वो ये हमारा अंडर टर्न और ये हमारा ओवर टर्न। तो हमें इन दोनों को मिक्स करके कंपाउंड कर्व बनाना है। तो जब भी हम नीचे आते हैं तो ये फिर से मोटा हो जाता है, ऊपर जाते हैं तो पतला, और नीचे आते हैं तो फिर से मोटा। नेक्स्ट हमारा ड्रिल है वो है लूप्स। तो लूप्स असेंडिंग और डिसेंडिंग आते हैं, तो ये हमारा डिसेंडिंग लूप है एकदम पी जैसा, और ये हमारा असेंडिंग लूप है, ऊपर जाते समय पतला, नीचे आते समय मोटा। तो जो लास्ट ड्रिल है हमारा वो है ओवल्स। तो ओवल्स में हमें एक ओ जैसा शेप बनाना है, पर हमें वो अप एंड डाउन स्ट्रोक्स को ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारे अप स्ट्रोक्स हैं ये पतले हैं, डाउन स्ट्रोक्स मोटे हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है लेटर फॉर्मेशन। तो हम ये सारे ड्रिल्स यूज़ करके लेटर्स फॉर्म करेंगे। तो पहले हम एक ओवल यूज़ करके और फिर एक अंडर टर्न यूज़ करेंगे। लेटर ए मिल जाएगा। अंडर टर्न पूरा नहीं यूज़ करना है, जितना ज़रूरत है उधर तक ही रोक देना है। तो हमें यू मिल जाएगा। तो इन सारी बेसिक ड्रिल्स और टेक्निक्स से आप हैंड लेटरिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और इन्हें हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपकी हैंड लेटरिंग और अच्छी हो।